क्या हाल है दोस्तों। जैसा आपको पता है कि एमएमए की ट्रेनिंग जो है मैंने शुरू कर दी है। 90 डेज का टोटल कोर्स है, उसमें फिटनेस कैसी होगी वो सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ही। अभी जो है मैं हूँ बेंगलोर में, और बेंगलोर में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, और 2 दिन हो चुके हैं ट्रेनिंग लेते हुए। आपने मेरा शॉर्ट वीडियो जो है वहाँ पर देखा होगा। अब जो है मेन कंसर्न और जो मेन जो चैलेंज है वो है एक अच्छे से बॉक्सिंग के ग्लव्स लेना। तो कोच ने जो मुझे बॉक्सिंग के ग्लव्स दिखाए, वैसे क्वालिटी वाइज वो लेदर के थे, उनका कॉस्ट भी 2000 के प्लस माइनस ऐसे ही कुछ था, बट वो मेरे साइज़ के नहीं थे। तो आज जो है मैं जा रहा हूँ डिकेथलॉन, क्योंकि कोच ने बोला है कि वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो मिलेंगे वो शायद प्यू लेदर वाले मिले। उनका क्वालिटी अच्छा होता है, बट उनका रनिंग टाइम शायद ज़्यादा ना हो एज़ कम्पेयर टू लेदर, बिकॉज लेदर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग आइटम होता है। तो चलिए आज हम डिकेथलॉन चलते हैं और देखते हैं कि भाई बेंगलोर में किस तरह का आपको जो है सारा माल मिलेगा। ओके चलिए। एक जो सबसे बड़ी बात है इस समय बेंगलोर में, बेंगलोर दो चीजों से के क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसमें से एक तो है आपका वाटर प्रॉब्लम जो बेंगलोर में है, कई प्लेसेस पे है जैसे व्हाइट फील्ड, रामा मूर्ति नगर, और दूसरी है गर्मी। गर्मी बारिश नहीं हो रही है तो उसकी वजह से गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे सिर्फ दिल्ली वाला जो है अपना सारा क्लाइमेट याद आ रहा है यहाँ आकर भी। सोचा तो बेंगलोर में आऊँगा तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है सुकून मिलेगा उस मामले में, जिसके लिए बेंगलोर फेमस है। बट यहाँ पर जो है, एक मिनट जरा यू टर्न मार लूँ, यहाँ पर जो है वो सिचुएशन टोटली ही डिफरेंट है। 2-3 महीने हो गए हैं बारिश नहीं आई है, तो उसकी वजह से गर्मी बढ़ गई है, और गर्मी बढ़ गई है वाटर का लेवल भी है वो ड्रॉप हो गया है, उसकी वजह से जो है वाटर का क्राइसिस भी बेंगलोर में कई जगह पर आ गया है। ये देखिए बेंगलोर जो है सिटी बहुत बढ़िया है, ये हमारा डार्क वेदर इसमें लगा रखा है हमने अपनी गाड़ी में, और लेकिन ट्रैफिक के मामले में आपने सुना होगा कि बेंगलोर में बहुत ज़्यादा है। उसका एक रीज़न ये है कि ये प्लान्ड सिटी नहीं है, यहाँ पर जो है ये सब पता नहीं आईटी कंपनी धीरे धीरे आती गई बैठते गए और उसके हिसाब से जो है ये एक मेट्रो सिटी बन गया। लेकिन बाद में अगर रोड्स को देखें, देखिए लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे, अब बताइए। अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर रास्ते में एक स्पोर्ट्स की शॉप है जो थोड़ी बड़ी है, जहाँ पर शायद मुझे एक अच्छी क्वालिटी के बॉक्सिंग ग्लव्स मिल जाएँ। तो पहले उस दुकान को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर वहाँ नहीं मिला तो डिकैथलॉन जो है वो लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो डिकैथलॉन है वो बहुत बड़ा है तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वो मिल जाएंगे। बट मैं रैक्सन की जगह सोच रहा था कि अगर लेदर वाले ग्लव्स मिल जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बट देखते हैं क्या होता है। ये सामने शायद शॉप है, आई डोंट नो यहाँ पर गाड़ी कैसे लगानी पड़ेगी, चलिए फिर भी चढ़ा देते हैं। योनेक्स देखते हैं, अगर यहाँ गाड़ी को कर दो बंद। दुकान तो अच्छा है, बट यहाँ पर जिनका भी सारा सामान है वो सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन का है, उसके अलावा ये कुछ और एसेसरीज रखते नहीं है। तो यहाँ आना तो हमारा हो गया है बेकार। अब मुझे लगता है कि शायद डिकैथलॉन ही जो है लास्ट ऑप्शन है जो मुझे यूज़ करनी चाहिए, तो चलिए डिकैथलॉन ही चलते हैं। तो सामने पेड़ आप देख रहे होंगे, आई डोंट नो मेरा कैमरा इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, कहीं कर रहा है या नहीं। तो ये जो है ना, ये फूल स्टेम पूरे बेंगलोर में खिले हुए हैं, इसको कह रहे हैं बेंगलोर ब्लॉसम। देखिए कितना शानदार, जबकि इतनी गर्मी पड़ रखी है, बारिश पिछले 3-4 महीने से आई नहीं है, बट ये फूल ऐसा खिला हुआ है ना पूरे बेंगलोर को इतना ब्यूटीफुल व्यू देता है, कुछ नहीं कह सकते। एंड आज जो है संडे है, इसीलिए मुझे टाइम मिल रखा है और मैं जा रहा हूँ बॉक्सिंग ग्लव्स परचेज करने। तो बेंगलोर में संडे को दोपहर में आप आएंगे तो आपको ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ना के बराबर। लगता है संडे वाले दिन लोग यहाँ पर बाहर निकलते नहीं हैं, बट हमें तो काम है, हम तो निकलेंगे भाई। तो ये आ गया है हमारा डिकैथलॉन।
और यहाँ पे देखिए अब ये जो है वैल्यू पार्किंग है। Here is what I'm looking for. इसके थोड़ा अपने अपने हैं। तो शॉपिंग करके मैं बाहर तो आ गया हूँ, लेकिन ग्लव्स मिले नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हैं डिकेथलॉन में। तो मैं लेके आया हूँ ये बैंडेजेस जो ग्लव्स के अंदर बांधते हैं, और दो जोड़ी के स्पोर्ट्स वाले। अब कोई और जगह है नहीं, कोच फ़ोन उठा नहीं रहा है, तो देखते हैं उन्हीं से मंगवाता हूँ। लेदर की क्वालिटी उनकी अच्छी थी, बट उनके पास साइज़ नहीं था। अब थोड़ी शॉपिंग और कर लेते हैं, बगल में एक फिनिक्स मॉल है, और देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। उसके बाद अपना डे ऑफ कहते हैं। थैंक यू।